हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूं स्कोडा कुसैक के मॉन्ची कार्लो एडिशन के साथ, और काफी कंफर्टेबल, काफी सेफ ऑप्शन है आपके लिए। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको स्पेशल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर मॉन्ची कार्लो एडिशन में। तो अगर फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरह से आपको ये एक तरह से टॉप एंड ट्रिम ऑफ स्कोडा कुसैक आपको कुछ इस तरह से मॉन्टी कार्लो एडिशन के तौर पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर लाइटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपरली यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ येलोइश टिंट में आपको यहाँ इंडिकेटर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लैंप देखने को मिल जाएगा, और उसके नीचे कुछ इस तरह से आपको कुछ पियानो ब्लैक का इंसर्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसको फ्रंट लुक को नोटिस करेंगे तो पूरी तरह से क्रोम इंसर्ट्स को यहाँ पर हटा दिया गया है इस मॉन्टी कार्लो एडिशन में। प्रॉपर यहाँ पर ब्लैक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, और इसका अगर हम हेडलैम्प को भी थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखा पाएं तो थोड़ा सा स्मोकीनेस जरूर ऐड किया गया है इस स्पेशल यानी मोंटी कार्लो टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पर आपको जो ये इंसर्ट है ये भी प्रॉपरली अब ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में है, कुछ हनीकॉम का एक डिजाइन इंसर्ट है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको हनीकॉम का इंसर्ट देखने को मिलता है। अंदर आपको रेडिएटर का व्यू मिल पाएगा, ये पूरा आपको यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर स्कोडा कुसैक के मॉन्टी कार्लो एडिशन का। अगर ऊपर के लुक को देखेंगे तो कुछ यहाँ पर वही क्रीजेज आपको स्टाइल वेरिएंट की तरह ही देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको सेंटर में स्कोडा की बैचिंग है। कुल मिला के यहाँ पर 4 क्रीजेस से इसके बोनेट एरिया को हाईलाइट किया गया है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ इसका रूफ एरिया देखने को मिलता है जो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ऊपर की तरफ आपको कुछ रूफ रेल मिलते हैं जो आप ब्लैकआउट ट्रीटमेंट मिलेगा। प्रॉपरली यहाँ पर आपको कुछ सनरूफ का भी व्यू मिल पाएगा कि कुछ इस तरह से आपको मिलता है। और साइड प्रोफाइल में भी कुछ डेफिनेटली चेंजेस किए गए हैं। अगर हम आपको क्लोजर लुक से दिखा पाएं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब जो साइड प्रोफाइल है उस पर आपको मॉन्टी कार्लो की यहाँ पर पियानो ब्लैक में इंसर्ट देखने को मिलेगा इस टॉप एंड ट्रिम में जो यहाँ पर है। और कुछ यहाँ पर आपको इसका टायर देखने को मिलेगा कैलिपर, इसके ऑक्टावेया की तरह रेड में नहीं दिया गया है, ये आपको रेगुलर कलर्स में ही देखने को मिलता है। और ओवरऑल जो अंदर का क्लैडिंग वगैरह है आपको क्वाइट सिमिलर देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205/55R17 यानी 17 इंच का आपको यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिलता है, डायमंड कट में आता है। और यहाँ पर कुछ व्हील आर्च क्लैडिंग है जो इस सॉर्ट ऑफ फिनिश में देखने को मिलेगा। अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये कुछ साइड से आपको यहाँ पर व्यू मिल पाएगा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल जो व्हील बेस है वो भी आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल पाएगा। इस साइड से अगर हम रेयर टायर की बात करें तो MRF की तरफ से अभी आपको टायर देखने को मिलते हैं, और रेयर टायर की भी प्रोफाइल सिमिलर है 205/55R17, 17 इंच का आपको पीछे का भी टायर देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर भी प्रॉपर क्लैडिंग की गई है, और क्लैडिंग मीन्स कि आपको NVH लेवल काफ़ी कम मिलेगा, आप गाड़ी में काफ़ी शांत तरीके से बैठ करके चल पाएंगे। ये जो इसका सी पिलर है अभी तो इस पर ऑफकोर्स यहाँ पर स्टिकर का प्लेसमेंट है, बट इतना यहाँ पर ग्लास एरिया मिलेगा, ये कुछ इतना ग्लास एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। और बी पिलर जो है वो भी ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में ही दिया जाएगा। और जो इसका ORBM है वो आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको LED ब्लिंकर का प्लेसमेंट किया गया है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आपको देखने को मिलेगा, तो अंदर से आपको वन टच एडजस्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिड वाइपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आपको कुछ इस तरह से वाइपर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको अभी क्लियरिटी मिल पा रही होगी, वॉशर वाइपर का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से किया गया है। ओवरऑल बिल्ड तो ऑफकोर्स यू नो कि स्कोडा बिल्ड के लिए ही एक तरह से जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका रेयर लुक हो जाता है। रेयर लुक में जो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये अभी बेसिकली आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिल रहा है इस पर्टिकुलर एडिशन में, जो कि स्टाइल वेरियंट में आपको यहाँ पर क्रोम में देखने को मिलता है। और इस कुसैक की बैचिंग को भी कुछ आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में किया गया है, तो बाहर से जो ये कॉस्मेटिक चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे, बट ज्यादा जो मेजर चेंज है आपको इंटीरियर में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 3 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम पीछे से एक बार आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर कुसैक का ओवरऑल आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कुछ इस तरह से अभी SUV के लिए प्लान कर रहे हैं मिनी SUV, तो अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस साइड से अगर हम पूरे साइड प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर भी आपको मॉन्टी कार्लो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और यहाँ इसका फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको अगर हम टेल लैंप को दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से शॉर्ट ऑफ हैलोजन प्लस LED का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन में देखने को मिलता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन LED। और कुछ इस तरह से आपको ये जो पियानो
ब्लैक का ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं स्टाइल वेरिएंट में आपको क्रोम में देखने को मिलता था। और ये इसका रेयर वाइपर है, डिफॉगर का प्लेसमेंट है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हाई स्टॉप लैंप है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको डुअल टोन ऑप्शन देखने को मिलेगा इस मोंटी कार्लो एडिशन के साथ, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर साक्सन एंटीना देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर 385 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मोंटी कार्लो में। यहाँ पर आपको एक लाइट का भी प्लेसमेंट किया गया है। इस साइड में आपको हुक देखने को मिलता है, जिसमें आप अप टू 3-4 केजी तक वजन हैंग कर पाएंगे प्रैक्टिकली। और यहाँ आपको कुछ इस तरह से वेल अरेंज स्पेस देखने को मिलता है, जो टूल किट है उसको इस तरह से अरेंज किया गया है। और नीचे आपको यहाँ स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, जो आई बिलीव 16 इंच का देखने को मिलता है, दैट इज 1 इंच डाउन ट्रिम, जो आपको 1 इंच डाउन ट्रिम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आइसोफिक्स सीट्स देखने को मिलती हैं, 60-40 आपको स्प्लिट कर पाएंगे। और ये कुछ इसका पार्सल ट्रे है, जो प्रॉपरली फंक्शनल पार्सल ट्रे है। तीनों जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबली देखने को मिल जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ है रेयर पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ प्लास्टिक क्लैडिंग है, और यू विल गेट वन हैंडल ओवर हियर, जिससे हेल्प से आप इसको इजीली क्लोज कर पाएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब हम चलते हैं ऑलवे इंटीरियर की तरफ, दिखाते हैं कि कैसा आपको ओवरव्यू मिलता है इसके अंदर की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड भी अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा। और इस साइड में कुछ इस तरह से आपको डोर देखने को मिलता है को ड्राइवर की तरफ का। और ये ऑल हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ऑल दो एक सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यानी जहाँ पर आपका टच एंड फील होता है उस एरिया को सॉफ्ट टच में जरूर दिया गया है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट इंसर्ट है, रेड इंसर्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका एक झलक इंटीरियर वो प्रॉपरली मोंटी कार्लो एडिशन का जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है वो रेड में दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक ऑल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो जाता है। अगर आप इसको स्टाइल से कंपेयर करते हैं टॉप एंड वेरिएंट से, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलवे तो यहाँ स्कफ प्लेट पर आपको मोंटी कार्लो की बैजिंग जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी में इंसर्ट है, ये इंसर्ट जो है एक स्पेशल मोंटी कार्लो एडिशन बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पावर विंडो का स्विच है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, और ये कुछ रेड इंसर्ट आपको यहाँ पर स्टिचिंग में भी देखने को मिलेगा, जो चेंजेस आपको है वो यहाँ पर भी किए गए हैं। और 6 स्पीकर्स आपको मिलेंगे, स्कूडा स्पीकर्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक इलास्टिक बैंड मिलता है, जिससे आप कुछ मैगजीन वगैरह होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल होल्डर है। ओवरऑल ये कुछ रहा पैसेंजर को ड्राइवर साइड डोर। अब ऑलवेज चलते हैं पीछे की तरफ, और रेयर सीट डोर की बात करें तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू फ्रंट डोर ओनली। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वही हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर आपको ऑलवेज सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल पीछे भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल है, 1 लीटर मैप पॉकेट होल्डर, और यहाँ पर आपको इलास्टिक बैंड देखने को नहीं मिलता है पीछे की तरफ। इसका फेरिया की बात करें तो पीछे के साइड में आपको कोई मोंटी कार्लो की बैजिंग पीछे वाले इसका फेरिया में देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ फ्रंट तक लिमिटेड है। और बट जो सीट में चेंजेस हैं इस स्पेशल एडिशन के लिए, जो रेड इंसर्ट है वो आपको पीछे भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको लेदराइज अपोस्ट्री देखने को मिलेगा, आर्मरेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं, केबिन लैंप जो 2 मिल जाएंगे। और इंटीरियर में अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, और जो हम्प है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लाइक अदर कार्स, जिसकी वजह से जो मिडिल पैसेंजर हैं उनको ज़्यादा इशूज़ फेस नहीं होंगे। यहाँ पर 2 टाइप सी सपोर्ट है, कुछ इस तरह से एसी ग्रिल देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइड होता है पीछे से, आपको आई बिलीव दिख पा रहा होगा। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल होल्डर मिलेगा, पीछे पॉकेट भी मिल जाता है सीट में। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में सपोर्ट करेंगी। और सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको आइसोफिक्स की भी बैजिंग देखने को मिलती है, यानी आप चाइल्ड सेफ सीट को माउंट कर पाएंगे। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एयरबैग की बैजिंग है, यानी 6 एयरबैग्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉप एंड ट्रिम में। अगर कीज़ की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको 2 रिमोट कीज़ देखने को मिलती हैं, दे आर फ्लिप कीज़, और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक और बूट का एक्सेस मिल जाएगा, जो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर होता है। और कुछ इस तरह से एक फ्लिप कीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी हेल्प से आप की को कुछ इस तरह से 1 टच से ओपन कर पाएंगे। दैट इज़ क्वाइट ईजी। कीज़ में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है मोंटी कार्लो एडिशन में, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू स्टाइल वेरिएंट ओनली, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड डोर में भी देखने को मिलता है, लॉक अनलॉक, और कुछ इस तरह से आपको
ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल ORBMs देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉप एंड ट्रिम में। अगर हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलती हैं, यानी हाइट एडजस्ट आप कर पाएंगे, रिक्लाइन एडजस्ट कर पाएंगे, बाकी कोई एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोंटी कार्लो की बैजिंग है और इस साइड से आपको यहाँ पर कुछ अपने लाइट्स के एडजस्टमेंट के स्विच मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको एसी ग्रिल देखने को मिलता है। अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको ORBM के स्विच मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडोज विद चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और जो ड्राइवर साइड डोर है दैट इज विद वन टच डाउन और बाउंस बैक फीचर भी आपको मिलता है, यानी आप और एंटी पिंच भी बोलते हैं, दैट फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस स्कोडा गुशाक। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लेदराइज अपोस्टी में सीट्स मिलती हैं और जो ये रेड इंसर्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ मोंटी कार्लो एडिशन, जो हर तरफ आपको इंटीरियर में देखने को मिलता है। और जो एक और चेंज है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका अब ऑल डिजिटल यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। और हम एक बार अगर इसको यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, अगर एक बार हम इसको आप उस स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये सॉर्ट ऑफ वेलकम करता है फर्स्ट टाइम और यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इंटीरियर अपने आप में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। ये रेड इंसर्ट आपको डेफिनेटली बैठने के बाद एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के तौर पे फील कराएगा बार बार कि आप एक मोंटी कार्लो एडिशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो इंसर्ट है रेड कलर का ये पूरी तरह से अलग दिखता है, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ है। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाएंगे, हजार्ड लैंप है, लॉक का स्विच है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी स्विच आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप अपने एयर फ्लो को एडजस्ट कर पाएंगे। एयर केयर मतलब आपको यहाँ पर एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको सेंटर में एसी ग्रिल है, ये इस तरह से बड़ा सा आपको यहाँ पर एक स्क्रीन मिलेगा इंफोटेनमेंट, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ़ोन कार्ड और कार डैशबोर्ड यानी म्यूज़िक और ये सब ऑप्शन मिलते हैं। यानी आप अपने कार के पूरे डिटेल्स को कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि किस तरह से फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है और क्या आपका ड्राइविंग रेंज वगैरह है, ये सारा चीज़ आप अपने इसी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्कोडा प्ले ऐप, जो आप यहां से कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इंफोटेनमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अगर इस साइड में आप देखेंगे तो स्कोडा साउंड की बैजिंग है, 6 स्पीकर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी एक्सेप्शनल है, काफ़ी बेहतरीन है। और ऊपर का जो मुझे यहां पर एरिया देखने को मिल रहा है वो काफ़ी क्लीन है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। कोई भी ऐसा अनवांटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, प्रॉपर एक फ्लैट सर्फेस है, जो काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर ऑलवे कुछ ऐसा आपको जगह मिलता है जो एक तरह से नीड होती है, रिक्वायरमेंट होता है, कुछ आप यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसके ORBMs देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और भैया कोई यहाँ पर सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो आपको LED में केबिन लैंप देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह से आपको इतना ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो मैनुअली कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो सनरूफ कोई बहुत छोटा नहीं है, बट आपको यहाँ पर पैनोरमिक सनरूफ देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस साइड दिखाएं तो आपको कुछ इस तरह से सनवाइजर मिलता है, इसमें टिकट होल्डर भी दिया गया है और इस साइड के सनवाइजर में आपको मिरर भी देखने को मिलता है, जो एक बेहतर चीज़ है। ओवरऑल इंटीरियर बेस्ट इन सेगमेंट, बेस्ट इन क्लास है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा है इसका यहाँ पर स्टीयरिंग, जो फ्लैट बॉटम नहीं है और कुछ इस तरह से आपको टू स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जिसमें रॉकर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ये एक बेहतर चीज हो जाती है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉपरली ये जो स्क्रीन है ये पूरी तरह से स्टैंड आउट करता है रेड इंसर्ट के साथ। यहाँ आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा बॉटल होल्डर और ये आपको कुछ यहाँ पर मैनुअल हैंडब्रेक देखने को मिलेंगे। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएगा, कुछ इतना स्पेस है जहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतर चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी डीप, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ से आपको एडजस्टमेंट का स्विच देखने को मिल रहा होगा। तो ओवरऑल इस तरह से एक स्पेशल एडिशन में आपको स्पेशल फील कराया जाएगा, वो काफ़ी यूनिक काम हो जाता है। स्कोडा की बैजिंग आपको डैशबोर्ड पर भी देखने को मिलती है। और अगर हम बैठने की पोजिशनिंग की बात करें तो वो काफ़ी यूनिक हो जाता है, काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर आप देखते हैं तो आर्मरेस्ट
प्रॉपरली स्लाइड हो जाता है, जो कहीं ना कहीं अगर आप एक स्टैंड बाई पोजिशन में हैं, बैठे हैं, उस टाइम पे भी काफी सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी बेहतर चीज हो जाता है। और यहाँ पर कुछ स्पेस भी मिलता है, अगर कुछ रखना चाहते हैं वॉलेट वगैरह, तो वो कन्वीनियंट फीचर भी यहाँ पर मिल जाएगा। बैठने में मुझे यहाँ पर लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट और ये सारी चीजें काफी बेहतर देखने को मिलती हैं। हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर मिलता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी थिकनेस हाइट के लिए ये सीट प्रॉपरली काफी बेहतर तरीके से अकोमोडेट करेगा किसी भी साइज डायमेंशन के इंसान को। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको यहाँ से इंटीरियर देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर मोंटी कार्लो एडिशन कुशाक का। इस तरह से आपको यहाँ पर ABC पैनल देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दो टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। तो बहुत सारे गैजेट्स अगर आप लेकर के चलते हैं तो ये आपको कहीं भी निराश करने वाला नहीं है। आपको दोनों एडिशन में मिल जाएगा, यानी 1.0 TSI प्लस आपको यहाँ पर 1.5 लीटर के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप इंजन वे देखेंगे तो काफी नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज किया गया है। मुझे पर्सनली स्कोडा का ये जो अरेंजमेंट है ये काफी पसंद आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह भी मिलती है, साइड में प्रॉपरली फ्यूज बॉक्स वगैरह है, बैटरी का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको चीजें अरेंज होती हुई दिखेंगी, जो इंजन ऑयल और आपका ब्रेक ऑयल वगैरह है उसका प्लेसमेंट प्रॉपरली यहाँ पर किया जाता है। और कुछ इस तरह से अगर आप अंदर देखेंगे तो ऑलवेज इसमें कोई आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन क्लैडिंग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो फ्लोर क्लियरली विजिबल है, बट ये जो एरिया है इस साइड का वो थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्टेड दिखेगा, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा कोई स्टोन वगैरह इसमें अंदर आने का बहुत रेयर चांस है, जो नहीं होता है जनरली। ओवरऑल ये कुछ इस तरह प्लेसमेंट है आपका इस तरह से इस स्पेशल एडिशन मोंटी कार्लो का। अगर हम इसके कलर वेरिएंट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो टोटल आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं इस मोंटी कार्लो एडिशन में, जो दो कलर ऑप्शन है। और जो ये जो पर्टिकुलर रेड एडिशन है ये भी थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है रेगुलर स्टाइल वेरिएंट में, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक इंसर्ट है NVH लेवल को कम करने के लिए, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं जो इंजन से आने वाला नॉइस है वो आपके अंदर कार में आपको फील नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल इंसर्ट। जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं वो आई अप्रिशिएट। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइपर के लिए आप यहाँ से वाटर इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर का भी इस्तेमाल किया गया है टाटा की तरीके से। तो ओवरऑल आई बिलीव जो इसका थिकनेस है और जो मैं इसको उठाने के बाद फील कर रहा हूँ, ऑफकोर्स एक सेफेस्ट गाड़ी में आप बैठते हैं वो आपको कभी नहीं बोलना है। अभी आज के अवेयर कस्टमर होने की वजह से आप कभी भी अगर चुनते हैं तो सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो आपको इस पर्टिकुलर बोनेट को उठाते ही फील होगा इस पर्टिकुलर स्कोडा कुशाक के। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया, अगर आपने वीडियो पसंद किया तो लाइक प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और स्कोडा के किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।